नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंकज पांडे आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कविता लेकर आया हूँ, जिसका नाम है पद, जिसकी रचना की है रैदास जी ने। तो आइए कविता की शुरुआत करने से पहले कवि के बारे में कुछ जान लेते हैं। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ था। यह जूता बनाने का काम किया करते थे, यही उनका व्यवसाय था। इनके पिता का नाम संतोख दास, जिन्हें प्यार से लोग रघु भी बुलाते थे, और माता का नाम कलसा देवी बताया जाता है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखाओं में रैदास का जरा भी विश्वास नहीं था। रैदास की ख्यात से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। सन 1518 ईस्वी में बनारस में ही इनका देहांत हो गया। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं। यहाँ रैदास जी के दो पद दिए गए हैं। पहले पद में रैदास जी ने अपने इष्ट देव को याद किया है और अपने आराध्य से अपनी तुलना की है। रैदास का मानना है कि उनके आराध्य मंदिरों में मस्जिदों में निवास नहीं करते, वो उनके मन मंदिर में बसे हुए, वो उनके दिल में बसे हुए। और दूसरे पद में रैदास जी ने अपने आराध्य की महानता का वर्णन किया है, अपने आराध्य की तारीफ किया है, प्रशंसा की है। आइए पहला पद पढ़ते हैं। रैदास जी कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। कवि कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे राम, अब आपके नाम की आदत कैसे छूट सकती है। अब मुझे आपके नाम की आदत लग गई है, अब मुझे आपके नाम की रट लग गई है, अब वो मैं कैसे भूल सकता हूं, अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अब आगे कवि प्रभु जी से अपनी तुलना करते हुए कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यदि आप चंदन हो तो हम पानी हैं। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी मतलब जिसके अंग अंग, बास मतलब सुगंध खुशबू, समानी मतलब समाहित हो गई है, जिसके अंग अंग में चंदन की खुशबू समाहित हो गई है, अर्थात हे प्रभु जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार आपकी भक्ति हमारे अंग अंग में समा गई है प्रभु, अब मैं आपको नहीं भूल सकता। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, घन मतलब बादल, बन मतलब जंगल, मोरा मतलब मोर, प्रभु जी यदि आप बादल हो तो मैं जंगल के मोर के समान हूं, जो आपको देखते ही नाचने लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, हे प्रभु जैसे चकोरा पक्षी, चितवत मतलब देखता रहता है, चंद मतलब चांद को, उसी तरह मैं भी आपको बिना पलक झपकाए देखते रहता हूं, अब मैं आपसे अलग नहीं हो सकता। प्रभु जी यदि आप दीपक के समान है तो हम उस बत्ती के समान है, जाकी ज्योति जिसकी रोशनी जिसका प्रकाश बरे जलती रहती है दिन राती, दिन और रात, मैं आपसे अलग नहीं हो सकता प्रभु। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, और प्रभु यदि आप मोती हो तो मैं उस धागे के समान हूं जिसमें मोतियां पिरोई जाती है, जिस धागे में मोतियां पिरोकर मोतियों की माला बनाई जाती है, उस धागे के समान हूं मैं प्रभु, आपसे अलग नहीं हो सकता, मैं आपको नहीं भूल सकता, मुझे तो आपकी आदत लग गई है। जैसे सोना ही मिलत सुहागा,
जैसे सोने में सुहागा मिला रहता है ना, हे प्रभु आप भी मेरे अंदर उसी तरह से समाहित हुए हैं, आप भी मेरे अंदर उसी तरह से समाये हुए हैं, मैं भी आप में उसी तरह से खो गया हूं, आप मैं भी आप में उसी तरह से समाहित हो गया हूं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे प्रभु आप स्वामी हो, आप मालिक हो, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ये रैदास ऐसी भक्ति आपको समर्पित करता है, ये रैदास आपके चरणों में ऐसी भक्ति अर्पित करता है, मैं अब आपसे अलग नहीं रह सकता, अब मुझे आपके नाम की रट लग गई है प्रभु, मैं आपको नहीं भूल सकता, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो यहाँ पहला पद समाप्त होता है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे ऐसे सुंदर सुंदर टॉपिक के वीडियो आपको मिलते रहें। आइए अब हम दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरे पद में रैदास जी कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गोसैया मेरा माथे छत्रु धरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, जाकी छोती जगत को लागे तापर तुम्ही ढरे, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, नामदेव कबीर तिलोचनु सधना सैन उतरे, कही रविदास सुनहु रे संतहु हर जीव ते सभय सरे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। इसमें रैदास जी अपने इस आराध्य की महानता को दर्शाते हैं और कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन, बिनु मतलब बिना, कौन मतलब कौन, हे प्रभु आपके बिना ऐसी कृपा कौन कर सकता है, आप महान हो प्रभु, तुसी ग्रेट हो प्रभु, अरे गरीब निवाज गुसैया, गरीब निवाज मतलब गरीबों पर कृपा करने वाले आप ही स्वामी हो, मेरा माथे छत्रु धरे, छत्रु मतलब मुकुट, आपने मेरे मस्तक पे मुकुट रख दिया है, अर्थात हे प्रभु गरीबों पर कृपा करने वाले मालिक आप हो, जिसने हम जैसे गरीब को भी राजा बना दिया है, हम जैसे गरीब के सिर पे भी मुकुट रखकर राजा बना दिया है, जाकी छोती, छोती मतलब अछूत, जाकी मतलब जिसको, जगत मतलब संसार, कौ मतलब को, लागे मतलब मानते थे, अरे जिसे दुनिया के लोग, संसार के लोग अछूत मानते थे, जिसे छूते भी नहीं थे, तापर तुम ही डरे, तुम ही डरे मतलब आप कृपा करते हो, ऐसे नीच पर, ऐसे अछूत पर भी आपने अपनी कृपा बरसाई है प्रभु, आप गरीब अमीर में, आप गरीब अमीर में भेदभाव नहीं करते, आप निम्न वर्ग में उच्च वर्ग में भेदभाव नहीं करते, आपके लिए प्रभु सब समान है, आप सब पे दया करते हो, नीच हूं ऊंच करे, आप तो निम्न वर्ग के लोगों को उच्च वर्ग का स्थान दिलाते हो, आप तो गरीब को अमीर बनाते हो, आप तो रंग को राजा बनाते हो, और काहू ते न डरे, और आप किसी से डरते नहीं हो, निम्न वर्ग के लोगों को सम्मान दिलाने में, रंग को राजा बनाने में, गरीब को अमीर बनाने में प्रभु आप किसी से डरते ही नहीं है। नामदेव कबीर तिलोचन, आपने नामदेव, संत नामदेव का उद्धार किया, कबीरदास जी का उद्धार किया, तिलोचन का उद्धार किया, साधना कसाई का भी आपने उद्धार किया, और सैन नाई का भी आपने उद्धार किया, सबका बेड़ा पार किया आपने, आप अमीर गरीब में, आप उच्च वर्ग में निम्न वर्ग में फर्क ही नहीं करते प्रभु। कही रविदास सुनो रे संतो,
रविदास जी कहते हैं कि मेरे संत जनों सुन लीजिए, हरि जीवते सबय सरे, सबय सरे मतलब सब कुछ संभव है, मेरे आराध्य से मेरे इष्ट से सब कुछ संभव है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, क्योंकि इन्होंने नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सहनु जैसे सभी भक्तों का उद्धार किया है, सबका बेड़ा पार किया है। ये संसार में कोई ऐसा काम है ही नहीं जिसे मेरे आराध्य न कर सके, ये सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैं इनके चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित करता हूं। और यहीं पर रैदास का पद समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।